हेलो एवरीवन, माइसेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने फीमोरल ट्रायंगल को डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि व्हाट इज फीमोरल ट्रायंगल। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल, बाउंड्रीज ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल एंड फ्लोर ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल। तो इन प्रीवियस वीडियोस के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन में भी आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रूफ ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल। फीमोरल ट्रायंगल की रूफ को डिस्कस करने से पहले एक बार फीमोरल ट्रायंगल की डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं कि व्हाट इज फीमोरल ट्रायंगल। तो बेसिकली इट इज अ ट्रायंगुलर डिप्रेशन व्हिच इज सिचुएटेड ऑन द एंटीरियर और फ्रंट ऑफ द अपर वन थर्ड ऑफ द थाई, जस्ट बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। तो बेसिकली फीमोरल ट्रायंगल क्या है? फीमोरल ट्रायंगल एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है जो कि हमारी थाई के एंटीरियर या फिर फ्रंट एस्पेक्ट पर अपर वन थर्ड पार्ट पर सिचुएटेड होता है, बिल्कुल इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इट इज एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड इट इज प्यूबिक ट्यूबरकल। तो बेसिकली एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल, चलिए बोन में देखते हैं, हिप बोन में। तो बेसिकली दिस इज हिप बोन एंड दिस इज राइट हिप बोन। तो इस बोन में दिस इज एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड दिस इज प्यूबिक ट्यूबरकल। दिस वन इज एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड दिस इज प्यूबिक ट्यूबरकल। तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, जिस लिगामेंट को हम लोग बोलते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए कि एक इंग्वाइनल लिगामेंट है और ये इंग्वाइनल लिगामेंट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो ड्रॉ करते हैं, दिस इज एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ऑफ हिप बोन एंड दिस इज राइट हिप बोन एंड दिस इज प्यूबिक ट्यूबरकल ऑफ राइट हिप बोन। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है इस तरीके से, दिस इज बेसिकली इंग्वाइनल लिगामेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बाउंड्रीज को डिटेल में डिस्कस किया था। This is inguinal ligament, label करते हैं inguinal ligament। तो this is right hip bone। तो इस hip bone की दो sides हैं basically। This is the lateral side of this hip bone and this is the medial side of this hip bone। ये right hip bone है, तो label करते हैं। This side is the medial side and this side is the lateral side of this hip bone। तो फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एक मसल डाउनवर्ड्स एंड मीडियली रन करती है, उसको ड्रॉ करते हैं। एक मसल डाउनवर्ड एंड मीडियली रन करती है लाइक दिस एंड दिस मसल इज कॉल्ड एज सार्टोरियस मसल। तो दिस इज सार्टोरियस मसल। सार्टोरियस मसल रन्स डाउनवर्ड्स एंड मीडियली। तो इसको लेबल करते हैं, दिस इज सार्टोरियस मसल। फ्रॉम प्यूबिक ट्यूबरकल एक और मसल प्रेजेंट होती है और वो मसल रन करती है डाउनवर्ड्स एंड लेटरली। इस तरीके से मसल रन करती है लाइक दिस। This is another muscle called as adductor longus muscle. This muscle is called as adductor longus muscle. Adductor longus muscle. This muscle runs downwards and laterally. इसको भी लेबल करते हैं एडेक्टर लॉन्गेस्ट मसल।
देखिए ट्रायंगुलर डिप्रेशन बना है इन स्ट्रक्चर्स के बीच, इसी ट्रायंगुलर डिप्रेशन को हम लोग बोलते हैं फीमोरल ट्रायंगल। दिस ट्रायंगुलर डिप्रेशन इज कॉल्ड एज फीमोरल ट्रायंगल। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे रूफ ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल। तो फीमोरल ट्रायंगल को रूफ को डिस्कस करने के लिए हम लोग दो डायग्राम्स बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए और सेकंड डायग्राम अंडरस्टैंडिंग पर्पस वाले डायग्राम की मदद से हम लोग प्रॉपर एनाटॉमिकल डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, उन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे जिन स्ट्रक्चर से फीमोरल ट्रायंगल की रूफ का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली अगर हम फीमोरल ट्रायंगल की रूफ की बात करें और सुपरफिशियल से डीप की तरफ चलें तो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज स्किन। तो पहले मैं लिख देता हूं फ्रॉम मूविंग सुपरफिशियल टू डीप, सुपरफिशियल टू डीप। पहले मैं अंडरस्टैंडिंग पर्पस वाला डायग्राम बना रहा हूं और इसकी मदद से हम लोग एनाटॉमिकल डायग्राम बनाएंगे प्रॉपर। तो सबसे सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है स्किन जो कि फीमोरल ट्रायंगल की रूफ के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है, दैट इज स्किन। इसको लेबल करते हैं एनाटॉमिकल, दिस इज हाइपोथेटिकल डायग्राम जस्ट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, और दिस इज एनाटॉमिकल डायग्राम, यहां पे लेबल करते हैं दिस इज स्किन। जस्ट बिलो द स्किन जब हम लोग फीमोरल ट्रायंगल की रूफ की बात कर रहे हैं तो फीमोरल ट्रायंगल की रूफ के स्किन बनाती है और स्किन के जस्ट नीचे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो फीमोरल ट्रायंगल की रूफ को बनाता है, दैट इज सुपरफिशियल फेशिया। तो सुपरफिशियल फेशिया को ड्रॉ करते हैं। एनदर स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्किन इज सुपरफिशियल फेशिया, तो दिस इज सुपरफिशियल फेशिया। इसको लेबल करते हैं सुपरफिशियल फेशिया। ये सुपरफिशियल फेशिया को एनाटॉमिकल डायग्राम में भी लेबल करते हैं, स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया जो कि फीमोरल ट्रायंगल की रूफ को बनाता है वो कुछ स्ट्रक्चर्स कंटेन करता है, उनको भी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सुपरफिशियल फेशिया के जस्ट बिलो एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो फीमोरल ट्रायंगल की रूफ को बनाता है, दैट इज डीप फेशिया, दैट इज डीप फेशिया। तो डीप फेशिया को ड्रॉ करते हैं, दिस इज डीप फेशिया। और डीप फेशिया जो कि फीमोरल ट्रायंगल की रूफ को बनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेशिया लता। तो दिस इज डीप फेशिया और फेशिया लता और फेशिया लटा, डीप फेशिया और फेशिया लता। इसको भी लेबल करते हैं, यहां पे प्रेजेंट होगा जस्ट बिलो दी सुपरफिशियल फेशिया क्या प्रेजेंट होगा, डीप फेशिया और फेशिया लता जो कि फीमोरल ट्रायंगल की रूफ को बनाता है। तो डीप फेशिया और फेशिया लटा इज द डीपेस्ट स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द रूफ ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल। उसके ऊपर प्रेजेंट होता है सुपरफिशियल फेशिया, उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं अभी डिस्कस करेंगे, और सबसे सुपरफिशियल जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है फीमोरल ट्रायंगल की रूफ का दैट इज स्किन। तो फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है स्किन, फिर सुपरफिशियल फेशिया एंड देन डीपेस्ट स्ट्रक्चर इज डीप फेशिया। तो डीप फेशिया कुछ स्ट्रक्चर कंटेन करता है, वो डीप फेशिया जो डीप फेशिया फीमोरल ट्रायंगल की रूफ को बनाता है दैट इज सैफनस ओपनिंग। तो सैफनस ओपनिंग को ड्रॉ करते हैं, बेसिकली दिस इज सैफनस ओपनिंग which is contained by deep fascia or fascia lata. This diagram is only for understanding purpose. और इस safeness opening को अब हम लोग anatomical diagram में draw करते हैं. Basically, this is safeness opening which is present in the deep fascia. तो इसको label करते हैं safeness opening. Thank you.
सेफनेस ओपनिंग, ये सेफनेस ओपनिंग प्रेजेंट होती है डीप फेशिया के अंदर। हम लोग डिस्कस करते हैं कि सुपरफिशियल फेशिया जो कि फिमोरल ट्रायंगल की रूफ को बनाता है, इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ फिमोरल आर्टरी प्रेजेंट होती हैं, ड्रॉ करते हैं सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ फिमोरल आर्टरी प्रेजेंट होती है सुपरफिशियल फेशिया के अंदर, जो सुपरफिशियल फेशिया फिमोरल ट्रायंगल की रूफ को बनाता है। तो दीज आर सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ फिमोरल आर्टरीज, ये हम लोगों ने एनाटॉमिकल डायग्राम में ड्रॉ की हैं। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं हाइपोथेटिकल डायग्राम में, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ये डायग्राम हमारा है। दीज आर सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ फिमोरल आर्टरी। इन सुपरफिशियल ब्रांचेस के साथ, फिमोरल आर्टरी के जो सुपरफिशियल ब्रांचेस हैं, इनके साथ एक अकॉम्पनिंग वेन भी प्रेजेंट होती हैं, जो वेन्स इन ब्रांचेस के साथ रन करती हैं। चलिए उनको भी ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ये क्या है, एक अकॉम्पनिंग वेन जो कि इन सुपरफिशियल ब्रांचेस के साथ फिमोरल आर्टरी की रन करती हैं। तो दीज आर सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ फिमोरल आर्टरी अलोंग विद ए कंपनिंग वेन। तो इस डायग्राम में भी इनको ड्रॉ करते हैं, अब इनको लेबल करते हैं। दीज आर सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ फिमोरल आर्टरी विच रन्स along with accompanying veins. Superficial branches of femoral artery with accompanying vein, with accompanying veins. नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं सुपरफिशियल फेशिया के अंदर, जो सुपरफिशियल फेशिया फिमोरल ट्रायंगल की रूफ को बनाता है, दैट इज अपर पार्ट ऑफ द ग्रेट सेफनस वेन। तो ग्रेट सेफनस वेन के अपर पार्ट को ड्रॉ करते हैं, दिस इज अपर पार्ट ऑफ ग्रेट सेफनस वेन। इसको इस डायग्राम में भी ड्रॉ करते हैं, दिस इज अपर पार्ट ऑफ ग्रेट सेफनस वेन। चलिए इसको लेबल करते हैं अपर पार्ट ऑफ ग्रेट सेफनस वेन, अपर पार्ट ऑफ ग्रेट सेफनस वेन। तो दिस इज अपर पार्ट ऑफ ग्रेट सेफनस वेन, और ये प्रेजेंट होती है सुपरफिशियल फेशिया के अंदर, जो सुपरफिशियल फेशिया फिमोरल ट्रायंगल की रूफ को बनाता है। हेयर इज अपर पार्ट ऑफ ग्रेट सेफनस वेन। और स्ट्रक्चर्स देखते हैं जो कि सुपरफिशियल फेशिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। तो ये क्या है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, इनको लेबल करते हैं इस डायग्राम में भी, इनको ड्रॉ करते हैं पहले। सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, ये प्रेजेंट होती हैं सुपरफिशियल फेशिया के अंदर, जो सुपरफिशियल फेशिया
फीमोरल ट्राइंगल की रूफ को बनाता है। तो लेबल करते हैं, दीज आर सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। Here, these are superficial inguinal lymph nodes. और structures देखते हैं जो कि superficial fascia के अंदर होता है, जो superficial fascia femoral triangle की roof को बनाता है, that is nerve, and the name of this nerve is femoral branch of genitofemoral nerve. क्या नाम है इस nerve का? Femoral branch of genitofemoral nerve. इस डायग्राम के अंदर भी इसको बनाते हैं, दिस इज फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फीमोरल नर्व। इसको लेबल करते हैं, दिस इज फीमोरल ब्रांच ऑफ ऑफ जेनाइटो फीमोरल नर्व। दिस इज फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फीमोरल नर्व हेयर, एंड दिस इज ऑल्सो जेनाइटो फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फीमोरल नर्व। ये कैसा डायग्राम है? अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए। और ये सुपरफिशियल फेशिया के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो कि फीमोरल ट्राइंगल की रूफ को बनाते हैं। एक और नर्व प्रेजेंट होती है सुपरफिशियल फेशिया के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज branches of ilioinguinal nerve. तो ilioinguinal nerve की branches भी present होती हैं superficial fascia के अंदर, जो superficial fascia femoral triangle की roof को बनाता है। तो क्या है ये? This is branches of ilioinguinal nerve. इसको label करते हैं, branches of ilioinguinal nerve. तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि सुपरफिशियल फेशिया के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो सुपरफिशियल फेशिया फीमोरल ट्राइंगल की रूफ को बनाता है। क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं? रिवाइज करते हैं, दैट इज सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरीज अलोंग विद एकम्पनिंग वेन्स। सेकेंड स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन सुपरफिशियल फेशिया, दैट इज सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। Another structure, that is upper part of great saphenous vein and femoral branch of genitofemoral nerve and the branches of ilioinguinal nerve. ये सारे के सारे structures present होते हैं superficial fascia के अंदर, जो superficial fascia femoral triangle की roof को बनाता है। Superficial fascia के ऊपर present होती है skin, तो हम लोगों ने discuss किया structures which forms the roof of the femoral triangle. तो अगर हम लोग superficial से deep की तरफ चलें, तो superficial most जो structure present होगा femoral triangle की roof को बनाएगा, that is skin. Skin के just below दूसरा structure present होगा, that is superficial fascia. Superficial fascia इन सब structures को contain करता है, हम लोगों ने diagrammatical representation से समझा। और फिर superficial fascia के just below एक और structure present होता है, that is deep fascia और fascia lata. और इसके अंदर present होती है saphenous opening. तो ये सारे structure मिलके femoral triangle की roof को बनाते हैं, from superficial to deep. Skin, superficial fascia and deep fascia. So this is about the roof of the femoral triangle. Next lecture mein hum log discuss karenge contents of the femoral triangle. So this is all about today's lecture. Thank you so much.